हेलो क्लास, आज हम लोग एनसीईआरटी से चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल से पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिकल इंट्रोडक्शन। क्लास 7 से आप लोग आए हैं तो लाइन के बारे में जान लेते हैं, एंगल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर क्वाड्रिलेटरल वगैरह की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले लाइन के बारे में जान लेते हैं। बस छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है लाइन का कि अगर व्हाट इज़ लाइन, बहुत से लोगों को पता होगा कि लाइन क्या है। तो लाइन लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफिनाइट इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जैसे कि अगर ये पॉइंट 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 ये ऐसे देते रहेंगे तो व्हाट वी गेट, लाइन। क्या हो गया? एक लाइन हो गया ये। तो अगर इस लाइन को हम अगर इस तरीके से दिखाते, दिस इज अ लाइन। लाइन क्या होता है? इट कैन एक्सटेंड बोथ साइड इन्फिनाइटली। ये दोनों तरफ इन्फिनाइटली जा सकता है, दोनों तरफ इन्फिनाइटली। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ओके लाइन के साथ। लेकिन अगर इसी लाइन के एक टुकड़े को काट ले, ये एक टुकड़ा हम ले लिए ए बी, तो ए बी हमारा एक हो गया, इसका एक डिफिनिट लेंथ हो गया क्योंकि इसका एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है। तो इसी को हम बोल देते हैं लाइन सिगमेंट। लाइन सिगमेंट, लाइन सिगमेंट का मतलब क्या हो गया? अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या करेंगे? लाइन सेगमेंट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे? लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए, लाइन सेगमेंट क्या होगा? लाइन सेगमेंट को अगर डिफाइन करना होगा तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज डिफिनिट लेंथ, जिसका लेंथ क्या होता है? डिफिनिट होता है। जैसे ए बी इज द लाइन सेगमेंट। अगर अब इसी को अगर दिखाना हो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे लाइन सेगमेंट को, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए बी के ऊपर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मतलब ए बी एक क्या हुआ? एक लाइन सेगमेंट हुआ। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जब हमें लाइन सेगमेंट के बारे में पता चल गया, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन। तो जनरली क्या होता है? दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड सेकेंड वन इज कर्व्ड लाइन। सेकेंड वन इज कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन कहेंगे तो क्या होगा? इसका स्ट्रेट का मतलब तुम लोग सब लोगों को मालूम है, सीधा सा मतलब होता है सीधा लाइन। मतलब अ लाइन विच कैन एक्सटेंड इन टू डिफिनिट डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन। इनके दो डिफिनिट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं और बाकी कोई दूसरा डायरेक्शन इनका नहीं होगा, ये दोनों एक डिफिनिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे। ऐसे को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। और अगर लाइन है कोई जो कि उनका डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है तो दिस इज कॉल्ड कंसिडर एज अ कर्व लाइन। ओके, दिस इज कंसिडर एज अ कर्व लाइन। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये कौन सा लाइन हो गया? वेरी गुड, ये आपका हो गया कर्व लाइन। क्लियर? सो एवरीवन नो दैट कि व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन और ए कर्व लाइन। अब इन्हीं लाइन्स से मिलकर कई सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनते हैं जो कि आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है, इसलिए मैं उनके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा।
जैसे कि हम एंगल्स का फॉर्मेशन, नहीं लाइंस के बाद एक चीज़ और बताना रह गया था, एक चीज़ होता है रे। रे रे भी एक प्रकार का लाइन होता है, लेकिन रे ओनली एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता है एक पॉइंट से, जैसे कि ये है, इस पॉइंट से ओरिजिनेट होकर एक डिफिनिट डायरेक्शन, मतलब एक तो इसका पॉइंट डिफिनिट होता है, दूसरा इनडिफिनिट वो एक्सटेंड करता है, ठीक है ना। इट मूव्स इन अ डिफिनिट डायरेक्शन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, एक डिफिनिट डायरेक्शन में मूव करता है, और क्या होता है, एक डिफिनिट डायरेक्शन में बोथ साइड एक्सटेंड नहीं करता है, सिर्फ एक ही, जैसे कि लाइन में हम लोग ने पढ़ा था क्या कि इट एक्सटेंड बोथ साइड, तो ये बोथ साइड नहीं एक्सटेंड करके, ये बोथ साइड एक्सटेंड ना करके सिर्फ क्या करता है, ये एक साइड एक्सटेंड करता है, तो दिस इज द रे। ओके, क्लियर, गॉट इट, थैंक यू। अब हम आते हैं आप लोग के पास, एंगल कैसे बनता है। एंगल, ये बस छोटा छोटा क्लास दूंगा, उसके बाद डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल पे हम लोग जाएंगे। एंगल, हम लोग को मालूम है कि अगर दो रेज अगर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, या टू रेज अगर एक ही पॉइंट से अगर ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इनके बीच के जो स्पेस होता है, इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं एंगल। इसी स्पेस को क्या बोलते हैं, एंगल, जिसको थीटा से भी डिनोट करते हैं, वो थीटा से डिनोट कीजिए, अल्फा से, या 30 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो, ठीक है, उसकी मेजरमेंट होती है। आप लोग एंगल बनाना जानते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल भी हमारे क्लास ख्याल से क्लास 7 में आप लोग पढ़ चुके हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ, लिखूँगा नहीं, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ एंगल्स में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। पहला एक्यूट एंगल, सारे एंगल को नहीं बता रहा हूँ, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90 डिग्री, वैसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। जनरली हम लोग बोलते हैं कि वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। दूसरा है हम लोग का, आप लोग को पता ही है कि हाँ सर, इसके बाद तो राइट एंगल आएगा, आई नो दैट, एवरीवन नो दैट, कि राइट एंगल, तो वैसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको राइट एंगल कहते हैं। तीसरा आप लोग कहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल होता है, सर वेरी गुड, हम लोग को मालूम है कि आप लोग को मालूम है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा आ जाते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर। एक अब यह हो गया, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, मोर देन 180 एंड लेस देन 360, 180 से बड़ा हो और 360 से क्या हो, छोटा हो, क्लियर। रिफ्लेक्स एंगल भी क्लियर हो गया, क्लियर।
अब रह गई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि हम लोग बाद में चल के बात करेंगे। चलिए, अभी तक जो ज़रूरत है इस चैप्टर के लिए। अब हम बात करते हैं कि लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट से बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर बनते हैं, क्लोज्ड पाथ जिसको बोलते हैं। देखिए जनरली चीज़ें दो डायमेंशन में होती हैं, एक होता है ये एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल करता है, और एक होता है वाई एक्सिस। तो ये दो डायमेंशन दिखा रहा है, हालांकि दोनों डायमेंशन एक प्रकार का लेंथ ही कहा जाता है, लेकिन इसको लेंथ और ब्रिथ के नाम से हम आप लोग को आगे अर्लियर चल के समझाएंगे। तो जो जो भी ज्योमेट्रिकली फिगर सिर्फ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ दो डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल फिगर। उनको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल, मतलब कि सिर्फ लेंथ और ब्रेथ। टू डायमेंशनल फिगर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? टू डायमेंशनल फिगर किसको कहेंगे? जिसमें सिर्फ क्या रिक्वायर्ड हो? लेंथ का रिक्वायरमेंट हो, और किसका रिक्वायरमेंट हो? ब्रेथ का रिक्वायरमेंट हो। अब सोचिए कि अगर हम सिर्फ इस एरिया, इस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमको क्या चाहिए? ये हो गया हमारा ब्रेथ और ये हो गया लेंथ। लेकिन अगर हम इसी बात पे, अगर हम एक किसी भी ऐसे चीज़ की रिप्रेजेंट करें, अगर हम ये बुक हम ले लेते हैं, अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना हो, तो ये तो लेंथ हो गया या ब्रेथ हो गया, लेकिन इसके साथ साथ क्या ज़रूरत पड़ गया? ये हाइट, ये हाइट की भी ज़रूरत पड़ गई। तो इसका मतलब क्या हो कि ये तीन डायमेंशन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए, लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए और हाइट। तो ये फिर हमारा थ्री डायमेंशनल फिगर हो जाता है। तो अब हमें सिर्फ इस चैप्टर में हमें टू डायमेंशनल फिगर पे ही कंसंट्रेट करना है कि टू डायमेंशनल फिगर क्या होगा। टू डायमेंशनल जैसे नहीं पढ़ना, तो क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल लीजिए, टू डायमेंशनल फिगर। अब जब कब लाइन सेगमेंट, जब एक क्लोज्ड लाइन सेगमेंट जब कंबाइंड करते हैं, तो एक ज्योमेट्रिकली फिगर बनता है, जैसे कि ट्रायंगल। जैसे कि एक ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ट्रायंगल के बाद हम आएंगे किसी और चीज़ पे, ट्रायंगल की बात करते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट हो गया, चलिए हमने कह दिया ए बी, एक लाइन सेगमेंट हो गया, हम बोल दिया ए सी, और एक लाइन इसको मिला दिया, तो एक लाइन सेगमेंट हो गया, क्या हो गया? बी सी। तो ये क्या फॉर्म बन गया? ये बन गया ट्रायंगल। तो अगर ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए कहा गया द प्लेन बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। अगर हमको ट्रायंगल को डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे? अ प्लेन बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, कि तीन लाइन सेगमेंट से जो हम प्लेन को बाउंड करते हैं, बाउंड करने का मतलब छेक देना, बाउंड करने का मतलब छेक देना, घेर देना, ठीक है ना, घेर देना, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बाद में चर्चा होगी अगर चैप्टर्स में आगे होंगे तो। ओके, तो अ प्लेन विच इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। वैसे आप लोग को सबको मालूम होगा कि सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, अगर इन तीनों एंगल को जोड़ दे तो क्या मिलेगा, कितना डिग्री होना चाहिए? यस, इट मे बी डेफिनेटली 180 डिग्री। ओके, अब हम आते हैं अपने चैप्टर्स पे, क्वाड्रिलेटरल्स। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने चैप्टर्स पे, क्वाड्रिलेटरल्स। फिर भी कोई आप लोग एनसीईआरटी का बुक होगा, किसी के पास आर एस अग्रवाल होगा, जो भी बुक होगा, जो भी डाउट्स होंगे, जब आपके पास वीडियो पहुँचेगा ऑनलाइन, तो आप लोग अपने डाउट्स को कि हाँ सर ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि छूट गई हों, या फिर आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप अपने डाउट पूछते रहिएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स आर रीजन बाउंडेड बाय फोर साइड्स, आर रीजन बाउंडेड बाय फोर साइड।
अ रीजन बाउंडेड बाय फोर साइड, एक वैसा रीजन, एक वैसा प्लेन जो कि फोर साइड से क्या हो, बाउंडेड हो। जैसे कि हम देखते हैं एक साइड से ये बाउंड करती है, एक साइड से ये बाउंड करती है, एक साइड से ये बाउंड करती है, एक साइड से ये, चार नाम दे देते हैं। इस लाइन सेगमेंट को हमने बोल दिया ए बी, इस लाइन सेगमेंट को हमने नाम दे दिया बी सी, इस लाइन सेगमेंट को हमने दे दिया सी डी, सी डी, और ये लाइन सेगमेंट हमारा हो गया डी ए। देखिए जब भी हम नेमिंग करते हैं तो एक विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं थोड़ा सा कि हमारा वो साइक्लिक बने, ए बी सी डी, या अगर हम चाहते तो ऐसे ही बना सकते थे, लेकिन जनरली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एक चले, वो आपके ऊपर है, लेकिन एक साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? तो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, अ रीजन बाउंडेड बाय फोर साइड, या फोर साइड से कहने का मतलब साइड मतलब क्या हुआ, लाइन सेगमेंट, अ रीजन बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, कि अगर हम इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल के सम को जोड़ेंगे तो चारों एंगल क्या हो जाएंगे, 360 डिग्री हो जाएंगे। अब ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल डी है, ये तो हो गया, लेकिन इस एंगल को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका है जो कि हम बताने जा रहे हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो अ रीजन बाउंडेड बाय फोर साइड, जैसे कि ए बी सी डी चार लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, फोर साइड से है, ए बी फर्स्ट, बी सी सेकेंड, सी डी थर्ड, डी ए फोर्थ साइड। क्लियर? ओके, सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, 360 डिग्री। गॉट इट एवरीवन? ओके, सो मैं इसे अब अगर हम बात करते हैं इस एंगल का नाम देने के लिए, तो इसको हम एंगल ए लिखते हैं, या इसी एंगल को हमको लिखने का जो सबसे सही तरीका है, जो सबसे सबसे सही हर तरीका सही होता है, लेकिन अगर इसी में और भी कहीं पे एंगल ए हो जाता, अगर ऐसे आ जाता तो फिर आप कैसे इस एंगल को लिखते, इस एंगल को क्या लिखते हैं, है ना, समस्या आ जाती ना। तो उसको लिखने के लिए एक तरीका हम बता देते हैं कि जिस एंगल को अगर हमें इस एंगल को लिखना है, तो इस ए को हम लोग बीच में रखेंगे, यही एंगल ए को डी ए बी भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग एंगल बी ए डी भी लिख सकते हैं। क्लियर? जिस एंगल को हमको दिखाना हो, अगर इसको दिखाना है तो इसको हम बीच में रख देते हैं। क्लियर? सबको हो गया? अच्छा, मान लीजिए कि अगर कहा, अभी मैंने कुछ कहा कि अगर मैंने कैसे हो जाता तो, और इस पॉइंट का नाम हम दे देते ई, तो अगर इस एंगल को लिखना होता तो हम क्या लिखते, सपोज टू बी दैट, अगर हमें एक ऐसा है, इस एंगल को हमें लिखना है, तो इस एंगल को लिखने के लिए हम लोग क्या करते, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमको चूंकि ये एंगल लिखना है तो बी ए, ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या हो जाता, इस एंगल का नाम हम दे देते हैं एंगल बी ए ई, बी ए ई। और अगर इस एंगल का नाम लिखना होता है कि ये एंगल कौन सा है, तो क्या हम लिखते हैं, एंगल डी ए ई। तो एंगल का नाम लिखना, आई थिंक सो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल के, अब हम आगे बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में, क्वाड्रिलेटरल्स के और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। चलिए, क्वाड्रिलेटरल्स तो आप लोगों ने जान गए हैं, ये हुआ हमारा एक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी लाइन सेगमेंट, नेमिंग करना हम जान चुके हैं,
दो अपोजिट, जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मिलते हैं वो उसका वर्टेक्स होता है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें, तो पहला आते हैं इट हैव फोर वर्टेक्स। अब सवाल आप लोग का ये आ जाएगा, सर वर्टेक्स क्या है? तो जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट जो मिलने का जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट आकर मिल रहे हैं, यही क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। और तो एक वर्टेक्स ये हो गया। आप यहाँ पे देखिए बी पॉइंट पे एक लाइन ये आके मिल रहा है, एक लाइन ये है, तो एक वर्टेक्स बी हो गया, एक वर्टेक्स आपका सी हो गया, एक वर्टेक्स क्या हो गया? डी हो गया। तो इसका मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल के कितने वर्टेक्स होते हैं? फोर वर्टेक्स होते हैं। एंगल कितने हैं? फोर एंगल होते हैं। देयर इज फोर एंगल। सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल हम बता चुके हैं, तो सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल क्या होगा? सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? समझा गया? इसके दो डायगोनल्स होते हैं जो अपोजिट वर्टेक्स को, जो लाइन सेगमेंट्स अपोजिट वर्टेक्स को मिलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या बोलते हैं? कि जो कि किसी भी एक क्लोज्ड फिगर के, जो वैसा क्लोज्ड फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन से फॉर्मेशन हो, ठीक है ना, कर्व लाइन से नहीं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से, जो ज्योमेट्रिकल फिगर जो है प्लेन में अगर जो फॉर्मेशन होता है, या 3D हो चाहे 4D हो, लेकिन वो फिगर किस चीज़ से ऑब्टेन होना चाहिए? वो स्ट्रेट लाइन से होना चाहिए। तो जो स्ट्रेट लाइन से जो क्लोज्ड फिगर हमको मिलता है उसके अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट मिलाता है इसी को हम बोलते हैं डायगोनल्स। तो किसी भी ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं? देयर इज टू डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देयर इज टू डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? कि देयर इज अ टू, क्योंकि दो अपोजिट वर्टेक्स में। अच्छा, ऐसा नहीं कि डायगोनल सिर्फ रेक्टेंगल में ही होगा या जो साइड साइड से गिरा हो। चलिए एक हम पॉलीगॉन बना के देखते हैं, एक हम एक छोटा सा एक पॉलीगॉन बना के देखते हैं। एक हमने इसका नाम दे दिए, इस पॉइंट का ए बी सी डी ई एफ। इस पॉलीगॉन में कितने साइड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 है। हेक्सागन हो गया, ऑल यू नो दैट। जैसे हमने ये मिला दिया एक डायगोनल्स हो गया, ये मिला दिया दो डायगोनल्स हो गए, ये मिला दिया तीन डायगोनल्स हो गए, ये वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स मिल गया चार डायगोनल्स हो गए। तो अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम मिलाते हैं तो हमें डायगोनल्स का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक डायगोनल होगा। क्लियर? अगर दो अपोजिट एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू अगर कोई भी अगर टू वर्टेक्स को मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है? डायगोनल्स होता है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू। अब अगले वीडियो में बाकी का क्लास हम लेंगे।